देख के बेस्ट फॉर द रिवर वेरी गुड अच्छा रहेगा और ये आप लोग खाइए उजी की है और ये हो गया अभी ब्रेकफास्ट है और हम लोग सब लोग सो रहे थे सब लोग सो रहे थे अचानक से घंटी बजी और दो कुरियर आया दो कुरियर आया अभी समझ में नहीं आया दोस्तों क्यों एक तो हमने ऑर्डर किया था रूटीन ऑर्डर किया हाँ जो कैश ऑन डिलीवरी भी थी उसको तो दे दिए लेकिन ये किसने किया है और क्या है अब ये तो मेरे नाम का ऑर्डर वो पापा के नाम का ऑर्डर है तो अब ये टेंशन की बात है किसने किया है अरे मैं नहीं समझ गया ये राखी आई है देखिए ये विक्रांत पांडे चश्मा दूर से पहनी विक्रांत उपाध्याय चश्मा अच्छा ये पेमेंट मतलब ये पापा की राखी है हमें तभी इसे पढ़ नहीं रहे तो डिस्कस कर रहे थे डिलीवरी बॉय से लेने से पहले ही कि आखिर ये है क्या क्यों है किसके लिए और किसने कब कर दिया तो जो मेरे बात से जो मेरी बहन है जो है कि सुभद्रा उसका यहाँ पर लिखा है देख रहे हो ये छोटा सा विक्रांत उपाध्याय तब हमको समझ में आया अभी हम घबरा गए तभी से डिस्कस है तुम किए हो तो तुम किए हो तो किसके फोन से किए हो कब पेमेंट किए हो किस हम लोग सोने में अब ये सोच लग रहा था कि किसके लिए ये आ गया है तो ये है पापा का इसको खोलिए और ये पापा के लिए मैंने किया था एक कार्ड होल्डर पापा लाइफ में फर्स्ट टाइम रखने वाले हैं तो ये लीजिए मेरी तरफ से पैसा आप ही दिए बहुत मोटा हो गया मतलब तो इसमें ज्यादा रख इसमें हम बहुत कुछ रख सकते हैं चलिए ठीक है थैंक यू हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे अब ये कि थोड़ा सा कार्ड वोट इसमें सही रहेगा पहले एक व्यवस्था थी जिसमें मेरा कार्ड उड़ा जाता था लेकिन फट उठ कर फेंका गया फेंका वेंका गया तो इसलिए लिया गया ठीक है तो देखते हैं दोस्तों अभी है हम लोग बेवकूफ में नहीं समझ रहे थे कि राखी का समय आ सकता है किसी का राखी आ सकता है अपने में डिसे कोई भी नहीं रहते लोग कि किस गोला से आया है कि ऐसे बॉक्स में हमेशा राखी आता है ऐसे कुछ डिटर तो सोचे ही नहीं थे हम लोग कि राखी भी आ सकता है नहीं जा रहा था वैसे मेरी राखी पहली बार आई है हाँ ये पहली बार जिंदगी में जो है ना सब गाँव पर आ जाता था दोस्तों और वहाँ पर से जो है की मैं जा करके वो कर लेता था बंधवा लेता था अभी जब पहले बार पापा के पास आई तो पहली बार राखी पाकी कैसा लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कोई बात क्योंकि पता ही नहीं चला कि राखी राखी तो की। है क्या क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जो ऑर्डर किया था वो नीचे पड़ा हुआ है दोस्तों अभी खुला भी नहीं खुला भी तो हमने सोचा कि वो तो पापा का मिलेट उसके साथ छोटा सा कुकर नहीं ना ऑर्डर कर लिए थे अरे 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 गजब भाई देखिएगा आराम से खोलिएगा कुछ हो ना अंदर गिरने वाला ओह माय गॉड पहली बार कुछ विशेष उपहार उपहार क्या बात है थैंक यू भाई बाना आपका क्या कहना बेस्ट फॉर द रिवर वेरी गुड लाइफ में गिफ्ट मिला है राखी पे और पहली बार राखी आई है कुरियर से और ये है राखी ये है रोली बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा और फिर राखी के दिन देखें हम लोग कैसे क्या क्या करते हैं तो बने रहिए देखते रहिए तो खुल गया जो है कि ठीक तो है अच्छी बात है खुल गया थैंक यू सुभद्रा बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आपको बहुत ही सुखी और एकदम दीर्घायु बनाए आप हमेशा सौभाग्यवती बनी रहे ये जो है कि मेरे तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद तो दोस्तों है आज है संडे और आज हो रहा है कुछ स्पेशल पापा के डिमांड पे तो पापा का खाने का मन था कल सैटरडे को ही बोले वो हम लोगों से कि आज हमारे लिए आप लोग बनाइएगा भजिया प्याज का तो यानी कि जो हम लोग की लैंग्वेज में पकौड़ी तो उसकी तैयारी शुरू हो रही है हम लोग नहा धोवा के घर और आप लोग जानते ही हैं घर पे मम्मी नहीं है तो मम्मी के एब्सेंस में हम लोगों को बनाना है पकौड़ी और मेरी इस हालत में मैं ऑयली खाना बना ही नहीं पाती हूँ तो पूरा जो कारभार है वो शैलेंद्र को सौंप दिया गया है मैं बस थोड़ा सा ऊपर से मदद कर सकती हूँ और बाकी देख सकते हैं सुबह से उठ के शैलेंद्र ने सारी तैयारी कर दी है प्याज छील के काट दिया है लौकी है और आलू भी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अब उधर वो मिर्चा छांट रहा है कि वो जो मोटे मोटे मिर्चे होते हैं उसको भी फ्राई करेंगे हम लोग सारी तैयारी हो जाने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा है कि बेसन कहाँ है
और क्योंकि जो बेसन का डिब्बा था वो था खाली, और बेसन हम लोगों को भाई मिल ही नहीं रहा। मम्मी को फोन किया गया, मम्मी ने हम लोगों को सांत्वना दिया कि बेसन है खोजो। सिलेंडर रेक पे चढ़ के सारा बेसन का डिब्बा खोला है, तैयारी तो हो गई है दोस्तों। अब बेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सिलेंडर बोला हार नहीं मानेंगे, जब बनाने निकले तो कुछ तो बनाएंगे। तो वो बेसन नहीं मिला, लेकिन तैयारी सारी कर रहा है, मिर्चा काट रहा है, प्याज काट लिया, आलू काट लिया, कह रहा बनाना है तो बनाना है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9, आज हम लोग ब्रेकफास्ट 9 बजे तक तो सब लोग 8:30 बजे कर लेता है, लेकिन फ्रूट व्रूट खा लिए हैं हम लोग। पापा आज थोड़ा लेक्सी को नहलाने और काम में लगे हैं, तो पूजा वूजा करके आएंगे तभी तो हम लोग पकौड़ी तलेंगे। तो हम लोग भी आराम से कर रहे हैं, और देख सकते घर एकदम साफ सुथरा हो गया है मम्मी के ना रहने पर भी। तो देखिए कैसे सैलेंद्र रेसिपी शेयर करेगा प्याज की पकौड़ी की, मैं आपको जरूर। तो प्याज का भजिया यानी पकौड़ी तैयार हो रही है, इसमें हम लोगों ने प्याज और बेसन, कड़ी पत्ता, चावल का आटा, कड़ी पत्ता, मिर्चा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़े से मसाला ये सब डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। बेसन हम लोग कम रखे हैं क्योंकि बहुत बेसन बेसन हो जाता तो ऑयली हो जाएगा। अब इसको हम लोग पूरा मिला देंगे। तो दोस्तों मिलाने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया है, देख सकते हैं कितना सुंदर कलर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बनने के बाद क्या होगा आप देखेंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप की पकौड़ी की तैयारी कर रहे हैं। आलू और लौकी की पकौड़ी के लिए इसमें बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और चावल, नमक, और इसका हम लोग घोल बना देंगे जिसमें हम लोग बनाएंगे आलू और लौकी की पकौड़ी। तो दोस्तों ये बैटर तैयार हो गया है यानी घोल, अब इसमें हम लोग आलू और लौकी की पकौड़ी बना लेंगे। अब तीसरे तरीके की पकौड़ी भी प्रयास करते हैं कि बना लें। हम लोगों की पकौड़ी की पूरी तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, और ये भी हम लोगों ने एक तरीके की पकौड़ी तैयार की है जो सूजी की है, और ये हो गया। अभी ब्रेकफास्ट है और हम लोग लंच की भी तैयारी कर रहे हैं। दाल हम लोगों ने बैठा, भिंडी यहाँ कट रही है, तो एक हाथ से मतलब क्या कहते हैं, एक समय में दो काम हम लोग करके निपटा देंगे। और पकौड़ी बनने लगी है, और ये एक बार हम लोगों ने बना के निकाल भी दिया है प्याज की पकौड़ी। तो अब सर्व करते हैं। देखो ये पापा को सर्व कर रहे हैं, तो देखते हैं पापा क्या रिव्यू दे रहे हैं, कैसा हम लोग का पकौड़ी सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या टेस्ट है। अब तो अभी पापा थोड़ा सा सज भज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पूजा करके आए हैं, तो माहौल बहुत ही मस्त हो रखा है। एसी हम लोग का साथ दे रही है, और इस ठंडे ठंडे एसी में पकौड़ी बन रहा है, तो सोच ही सकते हैं कितना मजा है। तो अब पापा के पास जा चुका है नाश्ता, अब बताएंगे कैसा बना है नाश्ता। एक्चुअली दोस्तों आज है संडे, बता दिया हमने, खाली हैं हम लोग, तो इसीलिए कहेंगे जो है कि इसका उपयोग कर लिया जाए, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, और ये जो ग्रीन चटनी है ना तो कमाल की है, क्योंकि इसमें मीठी नीम, कड़ी पत्ता और फिर जो है कि लेमन ग्रास, तो ग्रीन ग्रीन जाता है शरीर में, तो क्लोरोफिल पूरा पहुंच जाएगा, अच्छा रहेगा। और ये आप लोग खाइए पहले, और फिर तब मैं ले रहा हूँ, चलिए देखते हैं क्या बात है। सही बताइए, बहुत शानदार, नमक और क्रंची, कुरकुरा भी हुआ है, नमक बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत मजेदार रियली। चलिए भाई, हम लोग की मेहनत रंग लाई, ब्यूटी नहीं सलेंदर को बोलिए, ज्यादा काम उन्होंने किया इसमें। अब सलेंदर को भी बहुत धन्यवाद, ये जनता लगी हुई है पकौड़ी तोड़ने में और ग्रीन ग्रीन चटनी। तो मैं तो बता दिया आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्रंची है, एकदम क्रंची। और इस तरह का मुझे लगता है कि जो लोग खरीद कर खाते हैं उससे अच्छा है कि सप्ताह में एक दिन कभी आप घर पर बनाइए और शानदार तरीके से, और बनाइए तो उसको मन से बनाइए, खुशी खुशी बनाइए, और ये महसूस कीजिए कि इसको खाएंगे तो मैं स्वस्थ रहूंगा, इसका इस तरह की फीलिंग करेंगे तो फिर वो चीज अमृत बन जाएगा। हाँ हाँ, तो ब्यूटी भी मजा ले रही है खाने का, एकदम शानदार, और मिर्चा, फिर जो है कि फिर उसके बाद लौकी है, लौकी की पकौड़ी है, और सबसे मजेदार चीज ये ग्रीन वाली चटनी है, ये चटनी है, ये चटनी है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि कैसे वैदिक ट्रेन में जा रहा है, चलिए। वैदिक रात भर नौटंकी करके चाय चाय, आज सुबह में
नाना मामा का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? हेट गो क्या अगीरो के तो हाँ अभी थोड़ा सा इस तरफ वाला है खुश हो गया गिर जाओगे बाबू गंदी बातें है ले 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 क्या कर रहे मेरे काना में गिर जाओगे बाबू नासिक जा रहे हैं कब नासिक भुसावल आने वाला है अब देखिए इधर का मौसम क्या हुआ है चलते हैं अब देखते हैं कि वहां पहुंच करके और रंजू गार्गी बाबू और दामाद जी क्या कर रहे हैं तो चलिए ना नहीं ले ए सी ले आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी आज मम्मी का यहाँ लास्ट डे है तो ऐसे ही थोड़ा सा बारिश हो रही थी मैं बोली चलिए मम्मी थोड़ा बाहर निकलते हैं घूमते हैं थोड़ा तो बस उनको थोड़ा सा मैं ऐसे सोसाइटी से बाहर निकाली और ऐसे हम लोग वॉक कर रहे हैं और चेहरे पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही है ठंड है यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए तो स्वेटर वेटर पहनाना ज़रूरी है और रोड का नज़ारा मौसम के नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम का हाल चाल या मिजाज जो आप बोल सकते हैं पल भर में बारिश पल भर में बादल हट जाते हैं और मम्मी फील ही कर रही होंगी वो बताएंगी या यहाँ से जाने के बाद कि कैसा यहाँ का सब मौसम वगैरह था या जो भी चीज़ है क्यों ना मम्मी तेज बोलिएगा क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी हाँ भाई यहाँ बहुत ठंड लग रही है कभी कभी कंबल पतली वाली ओढ़ना पड़ जा रहा है फ़ैन ऑफ़ करके वैदिक की तो तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है यहाँ आके क्योंकि एकदम गर्मी से वो बिल्कुल ठंड में आ गया तो उसको सर्दी वर्दी लग गई है और थोड़ा हम आए हैं ऐसे ही टहलने आए तो मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं तो सोसाइटी के बाहर सारे चटर पटर चीज़ें लाइक पिज़्ज़ा बर्गर केक पेस्ट्री सब की चीज़ें हैं जैसे यहाँ बर्गर किंग है वहाँ सबवे है तो पार्किंग अभी लगा हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड थोड़ा एक बर्गर वर्गर खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे तो ये वैदिक इंतज़ार कर रहे थे अब दौड़ के आ गए यहाँ इनको आप देख सकते हैं इनका हाल चाल चलो चलो ए मम्मी पकड़ी उसको वो चलते हैं सो फ्रेंड तो हम लोग आए हैं देखिए गाड़ी जा रही है राहुल गांधी क्या ला रहे हैं लोग बने रहिए देखते रहिए और पापा पापा हैं आ रहे हैं भाई आपका पापा क्या लेना है बेटी बाबू हाँ क्या लेना है आपको सब अपने बच्चे को पढ़ना आपने देखा कि ब्लॉग थोड़ा मिला जुला मिला लेकिन क्या किया जाए बहुत सारी व्यस्तता है और उसमें हमने ब्लॉग आप लोगों को दिया है कुछ दिनों के बाद रेगुलर ब्लॉग भी आने लगेंगे और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हर पति पत्नी का ध्यान रखें और हर पत्नी पति का ध्यान रखें और आप लोग जो है कि सभी बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें और सारे छोटे लोग बड़ों का आदर और सत्कार करें और आप लोग हमारे ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तब तक लेते हैं विदा शुभ रात्रि